सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर अपनी बाइक खड़ी है। तो टुडे इज मॉडिफिकेशन नंबर वन। तो देखो आज हम HJC की लाइट लगाने वाले हैं, HJC की मिनी ड्राइव्स लगाने वाले हैं। तो अभी शॉप पे चलते हैं, तो मैं आपको रोड पे मिलता हूँ डायरेक्ट GoPro पे। आज देखेंगे इसमें कैसा कुछ फिट होता है। प्रॉपर बताने वाला हूँ मैं फिटिंग के साथ, वायरिंग के साथ, क्योंकि लोगों तो बता देते हैं फिट कर लेते हैं पर बताते नहीं वायरिंग कैसे की है। तो सो मेरी वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आपका जो पर्पस होगा देखने का वो पूरा हो जाएगा कि कैसे लगाते हैं। तो ले तो इसको रखते हैं और चलते हैं भाई। और मैं पहली बार मेरे आईफोन को चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है ना, मतलब मेरी फ़ोन की बैटरी डेड है, मतलब पता नहीं लाइन घर में है नहीं, लाइन चली नहीं। तो ऐसा कभी तो होता नहीं है, पर फर्स्ट टाइम मैं चार्ज करने वाला हूँ। तो देखते हैं अभी चार्ज होता है कि नहीं। ओ अभी चलते हैं शॉप पे, शॉप के लिए निकल गया हूँ। और मेरे को इलेक्ट्रिक टेप भी लेना है क्योंकि टेपिंग करना है। वैसे तो मैं कुछ भी कटिंग करने नहीं वाला हूँ, जो अपना प्लग इन प्ले होता है ना उसके अंदर ही सिर्फ वायर अपन डालने वाले हैं, जिससे कुछ भी वायर अपना कट वट नहीं होने वाला। तो अपनी गाड़ी क्लेम में रहेंगी, अगर कुछ भी कटिंग होता है तो फिर क्लेम में अपनी गाड़ी नहीं आती है, तो उसकी वजह से कटिंग वटिंग तो अवॉइड ही करेंगे सब कुछ। और जो भी कुछ करना है वो प्लग इन प्ले ही करने वाले हैं, आपको बताएंगे कौन से तार हाँ पर फिट करना है। और मेरी ऑलमोस्ट बाइक आईफोन की चार्ज यार 5% अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी दिखाना पड़ेगा वीडियो की कैसा फिट करना है। वैसे तो उनको पता ही होगा, बट लेट्स गो, देखते हैं। अभी पहले इलेक्ट्रिक की शॉप पे चलते हैं, वहाँ पर टेप वेप लेते हैं, वहाँ से फिर दिन निकलते हैं डायरेक्ट शॉप पे। गाड़ी रिजर्व पे क्यों बता रही है भाई, इतना पेट्रोल खाती है ना क्या बताया। अभी मैं तीन चार दिन पहले मतलब 550-600 का पेट्रोल डाला था, पंग से गुल हो गया। अभी मामू लोग दिख रहे तुमको, मामू लोग। और होपफुली आज लाइट फिटिंग हो जाती है, तो मैं इसमें आपको मैं इसी वीडियो में आपको मैं इसका थ्रॉटल रिस्पांस बताऊंगा कि कैसे इसका थ्रॉटल रिस्पांस है। होते में भी गलती खींचती है भाई, लिटरली फकिंग। चौथे में भाई, तीसरे में तो है ही है, पहले दूसरे का तो बात ही ना करे तो ठीक रहेगा, क्योंकि तीसरे में तो गलती जाती है। और चौथे में भी भाई इंसेन ऐसा एक थ्रस्ट आपको मतलब फील होगा कि वाह क्या एक्सेलरेशन है भाई, क्रेजी ब्रो क्रेजी। अबे यार ये बंद है क्या? ओह शिट मैन, वो शॉप ही बंद है, अभी दूसरी शॉप की जरा वो देखना पड़ेंगे। तो अभी हम पहुँचने ही वाले हैं शॉप पे। तो भाई ये हेडलाइट का है, ये DRLs वगैरह का आई थिंक। तो देखो हमने इधर भी नहीं लगाया है निकाल के, ना इधर लगाया क्लैंप हमने इधर लगाया। ये दोनों दो नट जो दिख रहे हैं जरा कैसा क्लैंप, और वाइसर के सामने लगाने के। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा ना प्रॉब्लम हो गई, तो जहाँ पर मैं लाइट फिट करना है हमारे सिटी में, मतलब न्यू गाड़ी है करके लोग थोड़ा सा हाथ लगाने के लिए डर रहे हैं, क्योंकि तो इसका सिस्टम पता नहीं कि कैसा सिस्टम है। तो जैसे कि इग्निशन स्विच से उसका फॉग लाइट का कनेक्शन होता है, तो अपना जो इग्निशन स्विच है वो बहुत ही अंदर है, बहुत ज़्यादा। तो लोग बोल रहे हैं कि मतलब अपने गैरेज वाला बोल रहा है कि भाई ये बहुत अंदर है, फालतू खोलना पड़ेगा, तो रिस्क नहीं लेते अपन, ऐसे बोल रहे हैं गैरेज वाले। तो मेरे को बोल रहे हैं कि आप सर्विस सेंटर पर जाओ और उधर से फिट करा क्या। अब सर्विस सेंटर का जाना बोले तो मुझे पता है आपको अमरोही जाना पड़ता है बहुत दूर, और उधर जाना बोले तो पूरा दिन चले जाएगा मेरा। तो देखते हैं अभी, थोड़ा सा एक दो जन है नोन में तो उनके पास जाके पूछता हूँ, अगर होता है तो ओके ओके। फिर इसको थोड़ा सा अपने को थोड़ा लंबे भी डालना पड़ेगा मॉडिफिकेशन को अपने, इसका फॉग लाइट का इसको बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो अचानक मैं जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फंक्शन वगैरह भी है घर के, तो मैं अभी बाहर नहीं जा सकता। तो देखते हैं अभी भाई, फ्यूल लो बता रहा है रिजर्व रिजर्व रिजर्व।
सो आपको मैं बताने वाला हूँ कि फॉग लाइट कैसे क्या आप खुद इंस्टॉल कर सकते हो अपने बाइक में। तो मैं कह रहा हूँ न्यू ड्यूक 390 में 2024। तो आपको इसकी वायरिंग बताता हूँ आपको क्या क्या लगने वाला है घर पर लगाने के लिए। ये जो ये लैंप देख पा रहे होंगे ये हॉर्न पट्टी है, तो आपको हॉर्न प्लेट लेना पड़ेगा जिससे हॉर्न फ्लिट। आपको ड्यूक 390 में जो हॉर्न वायर लेना है ये सब कुछ आपको उसके अंदर ही मिल जाएगा। ये पूरा आपको ऐसा सेट देंगे ये सब कुछ इसमें। ये मतलब सब वायरिंग की है, मैं तुमको डायग्राम पे समझा दूंगा क्या कैसा है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बताना, अगर एक भी वायर टच हो गया तो पूरा मतलब शॉर्ट सर्किट होके फ्यूज उड़ जाता है। एक तो उड़ा दिया मेरे भाई ने छोटे ने। तो ऐसा लाइट फिटिंग किया हमने। ये हॉर्न की पट्टी है यहाँ पर फिट किया है, ये शॉकअप में भी नहीं किया, इधर भी नहीं किया, सिर्फ इधर कर दिया है। लाइट वाइट लग गया, अभी हेडलाइट फिट करते हैं फिर आपको थ्रो बताते हैं कैसा इसका। देखो चालू हो रहा है अभी, ये यहाँ पर स्विच लगाया हमने तो अभी ऑन किया न्यूट्रल है। तो अभी ये देखो ये है येलो और ये है वाइट, ये लो बीम और ये है बीम, बीच में बंद होता है। तो अभी हेडलाइट फिट कर वायरिंग ग्रीन शॉट पर समझाने वाला हूँ क्योंकि बाइक
निकलते हैं, बताते हैं कैसी लाइटिंग है इसके अभी। चलो लेट्स गो। सो जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे, तो दिस इज स्टॉक लाइट जो आपको ड्यूक के साथ मिलती है। आपको स्टॉक लाइट में कैसे दिख रहा है बताओ? मुझे तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब ठीक ठाक दिखता है, ओके पर उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर फोर व्हीलर आएंगी ना, जब फोर व्हीलर आती है ना, तो बड़ी बड़ी गाड़ी आती है ना, तो उसमें कुछ दिखता नहीं है, मतलब गाड़ी का अपना लाइट सप्रेस हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता है। और ये यहाँ तक ही दिख रहा है, सामने तक कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो अभी क्या करते हैं, वो सामने से व्हीकल आ रहा है, उसको जान देते हैं और आपको लाइट बताते हैं कैसी आ रही है। अभी करते हैं लाइट ऑन, बूम। अबे लाइट देखना, ओ भाई साहब ये क्या दिख रहा है भाई। वैसे आपको ना मतलब पता नहीं चलेगा, मतलब आप आंखों से देखोगे तो ज़्यादा ही कुछ लाइट आ रही है भाई, वीडियो में उतना कैप्चर नहीं हो रहा होगा। और अपर दिखाते हैं भाई, ये तो पूरा ही चांद चांद कर रहा है। वैसे तो अभी देखो पूरे कुत्ते वगैरह भाई साहब ये क्या। सबसे बढ़िया तो मेरे को येलो लाइट पसंद आई है, बहुत ही ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा लाइट। अब मज़ा आ रहा है ना गाड़ी चलाने का। और अब भाई ओ भाई सो, अरे मैं फर्स्ट टाइम रात को शूट कर रहा हूँ बिकॉज दिस लाइट, ठीक है ना। और थोड़ा सा अंदर काम था तो देखना था लाइट वगैरह कैसे आ रही है। तो अभी देखो हम सिटी के अंदर हैं, तो लाइट्स कुछ ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब आपको आउटफ्लो तो दिख रहा होगा कि पूरा येल्लो येल्लो मतलब दिख रहा है। चुप न रे, मतलब येल्लो येल्लो तो दिख ही रहा है कि कितना स्ट्रांग, मतलब अलग ही हाईलाइट हो रहा है भाई। लाइट तो अमेजिंग है भाई, उसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। तो ऐसा कुछ लाइट का मॉडिफिकेशन था, थोड़ा रात हो गई है तो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो आपको ये मॉडिफिकेशन कैसे लगी ज़रूर से बताइएगा, और किसी नेक्स्ट डे में आपको मैं ज़रूर से डे में बताऊंगा कि कैसे लाइट्स दिख रहे हैं कैसे नहीं। जो गैरेज में हम गए थे लगाने को, तो वहाँ पर ना मतलब वो गैरेज वाले को समझ ही नहीं रहा था कहाँ से कनेक्शन लें कहाँ से नहीं, कुछ समझ नहीं रहा था। तब मेरे को भी नहीं पता था कि एसेसरी स्पोर्ट मिलते हैं ड्यूक 390 में। तो मुझे पता चला कि ड्यूक 390 में 4 एसेसरी स्पोर्ट आते हैं, तो मैंने बोला क्यों नहीं अपन सामने वाले पोर्ट से करंट लेते हैं फॉग लाइट के लिए। तो वो वर्क कर गया है गाइस। तो लाइट्स ऑन करते हैं। ओ भाई भाई इनसे अभी अपर लगा, अभी लग रही ऐसी लाइट होनी थी, जब ये वाइट वाली लग रही है ना तो ऐसी गाड़ी की लाइट होनी थी, बट ऐसी तो नहीं है, तो नीचे कर लेते। ओ माय गॉड भाई, जो येल्लो वाले वो ज़्यादा ही कुछ स्ट्रांग है वाइट से, अपर की ज़रूरत ही नहीं है लोबी में, येल्लो जब चलती है ना तो भाई साहब क्या लाइटिंग मतलब लग रही है। वैसे तो नॉर्मल वाले में देखो कुछ ऐसा है। ओ भाई साहब भाई इंसेन भाई, तो कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन था, वो गैरेज वाले को कुछ समझा ही नहीं, तो मैं घर पे आ गया, सब कैंसिल हो गया। मैंने बोला भाई साहब सब चौपट हो गया, चुप न रहे 2 मिनट, आपका भाई तो आपका भाई है ना, आपके भाई को थोड़ा सा चुल है, तो घर पे थोड़ा सा करने लग गया था काड़े अपने ड्यूक 390 के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। तो फिर करते करते ही भाई सब कुछ अपन ने घर पे ही कर दिया है, शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं। ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन था। आपके वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो इस वाले वीडियो पे हैप्पी एंड करते हैं आपको ड्यूक 390 पे। न्यू वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा, पीस आउट, राइड आउट, राइड सेफ। ऑफ कोर्स नॉट डूइंग द स्पीड लिमिट, व्हाई द फक वुड आई डू द स्पीड लिमिट ऑन अ सुपर बाइक।